कांग्रेस सबसे बड़े विपक्षी पार्टी, लेकिन क्षेत्रीय दलों को मिले कमान। सीबीआई पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, उन्हें ड्राइविंग सीट दी जानी चाहिए। कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है और कांग्रेस पार्टी को भाजपा से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात स्पष्ट है, हमने पहले भी कहा है जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है उन्हें ड्राइवर की सीट पर होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को यह समझना चाहिए। आगे तेजस्वी ने कहा कि जहां भी भाजपा से सीधा मुकाबला है कांग्रेस को उनसे मुकाबला करना चाहिए। ऐसी लगभग 200 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, यह स्पष्ट है कि सभी जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर जोर दिया और सभी विपक्षी दलों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के मुख्यालय पर 8 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ के बाद वहां से निकल रहे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है, बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लालू जी, नीतीश जी और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एक साथ आए और यह तय करें कि आगे का रास्ता क्या होगा।